हेलो सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम है शिवम और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बाबा खुश हुए, देखिए बाबा भी खुश हुए, हम भी खुश हैं। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड है क्या। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती, ये एक एसेंशियल अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही, जो बाहर के खाने से ले रहे हैं हम। जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करते हैं हम उसको कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। जो फूड हम बाहर से भी कम ले तो कोई दिक्कत नहीं। अब ओमेगा 3 के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपके एसेंशियल अमीनो एसिड कंप्लीट हो सकता है, लाइक फैटी फिश, फिश ऑयल, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स ऑयल, एग, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब इसकी कमी पूरी करते हैं। इसकी डोसेज कितनी होनी चाहिए दिन में? 2.5 to 5 ग्राम इन अ डे। चलो अब ये बात हो गई, अब इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। अब इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं तो ओमेगा 3 इंप्रूव आई हेल्थ। ओमेगा 3 हमारे आंखों के विजन को काफी अच्छा बनाती है। इसमें एक डीएचए जो एक टाइप है ओमेगा 3 का, जो एक मेजर कंपोनेंट है आई के रेटिना का। अगर डीएचए की कमी हो जाती है तो विजन से थोड़ी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगर हम प्रॉपर ओमेगा 3 लेते हैं तो हमारी विजन की प्रॉब्लम्स काफी खत्म हो जाती है। ओमेगा 3 फाइट डिप्रेशन एंड एंजाइटी। बिल्कुल सही, ओमेगा ऐसे ही चाटा मारता डिप्रेशन एंजाइटी को। जोक्स अपार्ट, लेकिन इस पैंडेमिक सिचुएशन में डिप्रेशन एंजाइटी के केस काफी बढ़े हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप रोज ओमेगा 3 लें, क्योंकि वो आपकी ब्रेन के हेल्थ को काफी इंप्रूव करेगा। इसमें कुछ कॉम्पोनेंट्स है जैसे कि ALA, EPA एंड DHA। DHA मैंने आपको बताया था, जिसमें EPA है वो एक मेजर कॉम्पोनेंट है जो फाइट करता है डिप्रेशन को कम करने के लिए, और ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल। थर्ड, ओमेगा 3 रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। ए जी, हाँ जी, मुझे ना कल सपना आया कि आप ना मुझे डायमंड का हार दिलवा रहे हो। ये हार्ट अटैक थोड़ा प्यारा है, लेकिन हम सीरियस बात करेंगे तो ओमेगा 3 रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। एक रिसर्च के हिसाब से माना गया है कि जो लोग ओमेगा 3 लेते हैं उनके हार्ट अटैक होने के कम चांसेस होते हैं उन लोगों से जो ओमेगा 3 नहीं कंज्यूम करते हैं, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर कम करता है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है जैसे SDL है, और तीसरा अगर गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपका इन्फ्लेमेशन भी कम होगी, आपकी बॉडी में जलन कम हो जाएगी। फोर्थ, ओमेगा 3 मे हेल्प टू प्रिवेंट दी कैंसर। वाह वाह वाली बात तो है, प्रिवेंट तो करता है कैंसर से। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल के वेस्टर्न वर्ल्ड में कैंसर एक ऐसा कोज है जो काफी लीडिंग में है, जो काफी लोगों को आजकल जल्दी हो जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड के खाने पीने के हिसाब से। तो ये क्लेम किया गया है जो लोग ओमेगा 3 लेते हैं उनको 55% चांस कम होता है कैंसर होने। फिफ्थ, ओमेगा 3 इंप्रूव बोन्स एंड जॉइंट हेल्थ। चिंटू के पिताजी, अरे चिंटू हमारा छोटा लड़का, चिंटू के पिताजी पान और हम में से एक को चुन लो। अब ये तो बड़ा कठिन सवाल हो गया, अब हमने भी बोल दिया पान और तुम में से तो हम पान को ही चुनेंगे। ओ भाई, वो ऐसा छड़ी हमसे हमारे पिछवाड़े में दो जूते मारे, हमारी हालत पान की पिचकारी जैसी हो गई, अब काहे तुम्हें बताएं। ओहो, बंसी जी को बड़ी मार पड़ी है, लगता है उनको भी ओमेगा 3 देना ही पड़ेगा। तो हम बात करते हैं ओमेगा 3 की, हमारी इंप्रूव करता है बोन्स और जॉइंट्स को, क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के कैल्शियम को बूस्ट करता है जिससे हमारी बोन्स इंप्रूव और जॉइंट्स में पेन कम हो जाता है। साथ साथ आपको एक और बात बताऊं, ओमेगा 3 हेल्प करता है रिड्यूस करने में अर्थराइटिस को। और इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। और एक मिनट भागने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, जरूर सब्सक्राइब कर दें ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।